पीछे आप देख रहे हैं, ये है मॉडल आंगनबाड़ी नर्सरी केंद्र चुरचू। तो ये अभी यहाँ से अभी कम से कम जो गांव वालों से बात हुई, 20 से 25 घर अभी बचे हुए हैं। तो अभी 20 से 25 घर बचे हुए हैं, इनकी विस्थापित अभी पूरी तरह से हुई नहीं है। उससे पहले इस आंगनबाड़ी को बंद कर दिया गया। अभी इसमें जो भी बच्चों लोग को पोषण के लिए जो सरकार वहाँ से भेजती है, वो यहाँ पर आता था तो बच्चों को पोषण के लिए आहार मिलता था। तो अभी इनसे जानते हैं कि ये कब से बंद है और क्यों बंद है और किसके लिए बंद हुआ। इसलिए बंद हुआ कि यहाँ गांव को विस्थापित कर रहा है, तो इसका कारण है से जो यहाँ डिप्टी करती थी, मानो कि यहाँ जो सहायिका सहायिका थी, तो यहाँ से विस्थापित करके उनको भेज दिया गया है। तो अभी जो बच्चे लोग का फिर पोषण आहार कैसा चलता रहेगा 6 महीने से? तो यहाँ जो वो सब है ही नहीं, तो पोषण आहार यहाँ आ नहीं रहा है। पोषण आहार आ नहीं रहा है? नहीं रहा है। तो यहाँ जो गांव का बच्चे हैं इधर उधर खेलते कूदते हैं, अपना घर में। इसका सेविका और सहायिका दोनों बाहर जाते थे? नहीं, यही गाँव के थी। ये सेविका सरस्वती देवी और सहायिका रिंका देवी? हाँ, ये भी यही के थी। अच्छा, यही तो के मतलब थी। इसमें जितने बोर्ड में जो लिखे हुए सब यही के थे? यही के थी। काम ये लोग सब कहाँ चले गए? ये लोग अपना अपना जहाँ घर बनाई वहाँ वहाँ चले गयी। एगो हजारीबाग में चली गयी सरस्वती देवी, और रिंका देवी चली गयी बड़का गाँव। तो मतलब ये बिना किसी को बताए हुए बंद कर दिया गया? नहीं, अब वही लोग जानेगी कि काम कर रही थी यहाँ, तो वो लोग जानेगी कि बताई बिना बताई गई कि बता के गए। तो मेन कौन होता है इसका, सेविका होता है कि सहायक? की सहायक कौन होती है? सेविका मेन सरस्वती देवी जो है। हाँ, वही है सेविका, जो सहायिका वो खिचड़ी बनाने वाली है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाया जाता था कि खाली खाना दिया जाता? नहीं, पढ़ाया भी जाता था, खाना भी दिया जाता था, कुछ खेल। टीचर वही सरस्वती देवी। आप क्या बोल रहे हैं, सरस्वती देवी खिचड़ी बनाती नहीं, थी? नहीं, वो पढ़ाती थी। हाँ, और मतलब शिक्षक वही थी? वही, वो आती तो वही रिपोर्ट करती थी कि वो जो भी कर रहा था वही रिपोर्ट करती करती थी सरस्वती देवी। चलिए ठीक है, सरस्वती देवी का नंबर तो लिखा हुआ है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं सरस्वती देवी क्या बोलती है। लिखी हुई है सरस्वती देवी, उनसे फोन पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोलते हैं। हेलो 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 हाँ हेलो, सरस्वती देवी हैं क्या? हाँ, घर में बात करवा दे। हाँ, बात करवाइए ना। हेलो 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 मैडम, पंचायत न्यूज़ से बोल रहा हूँ। ये बड़का गांव प्रखंड में सिंधवारी पंचायत है, चुरचू गांव से। हाँ? आपके आपके आंगनबाड़ी में आया था, आपके आंगनबाड़ी में खड़ा हूँ। तो ये आंगनबाड़ी क्यों बंद करके रखे आप? वहाँ गाँव में पब्लिक सब वहाँ से आगे चला गया है, दूसरा जगह। कहाँ पे? सब जहाँ तहाँ चला गया है, वहाँ से प्लायन हो गया है। तो प्लायन हो गया यहाँ पे, तो अभी 20 से 25 घर अभी है। अभी हम लोग तो 2 घंटे से यहाँ पे हैं, कम से कम अभी बच्चे लोग तो यहाँ पे है ही। तो आपको किसने बंद करने के लिए बोला? आपको कोई नहीं बोला, हम अपने बंद करते। तो आप कैसे बंद कर दीजिएगा अपने आप, मतलब अपने मन से आप कैसे बंद कर दीजिएगा? यहाँ जो अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको खाने के लिए जो सरकार से आता था और जो थोड़ा मोड़ा जो पढ़ते थे, तो जब तक अभी पूरा गांव विस्थापित नहीं होगा तब तक आप नहीं बंद कर सकते थे ना। तो आप ऐसे कैसे बंद कर दिए, बोलिए मैडम। तो रिजाइन कर देते आप, आपको 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 सैलरी आ रही है ना, तो रिजाइन कर देते आपको अगर सुविधा नहीं था यहाँ रहने के लिए। तो कहाँ से ले लिया था ना सर? तो फिर आपको तो दिया गया ना कि आपका आपका लिखा हुआ यहाँ पे सेविका है, और अभी आप बोल रहे हैं आप खुद से बंद किए। तो आप किसी को बताएं, BDO CEO किसी को बताएं कि हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं? मैडम के बोले थे, सुपरवाइजर से भी बात किए थे। अभी तो आप बोले कि हम किसी को नहीं बोले और हम खुद से बंद कर दिए। नहीं, सुपरवाइजर को बता रहे थे, तो बोले थे कि अभी रहो गांव में। हाँ, तो अभी तो जब गांव में है तो आपको गांव में रहना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो भी, अगर कितने बच्चे हैं अभी यहाँ टोटल, कितने बच्चे हैं? सबके घर में बच्चे हैं ना, 25 घर में कम से कम 50 बच्चे तो रहेंगे। 10 ही बच्चे पकड़िए ना, 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे में कम से कम खाने पीने के लिए हो जाता, थोड़ा खेलता कूदता पड़ता ना, सब भूल जाएगा ना वो, कि नहीं? तो कभी कभी चालू कीजिएगा इसको, चालू कर देंगे। आप चालू कीजिए ना, अभी विस्थापित तो हुआ नहीं है गांव, विस्थापित हो गया क्या?
स्थापित होकर सब इधर उधर हो गया ना भाई, तो बचा हुआ। हाँ तो 25-30 जो घर बचा हुआ है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनके बच्चे तो कम से कम यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे। आपको तो कितना घंटा चलाते हैं आप, 4-5 घंटा ही चलाते रहेंगे ना? हाँ तो चलाइए ना। अभी देखिए जो है अगर विस्थापित हो जाएगा तो फिर तो आपको जाना ही है, पर अभी आप अगर चलाते तो। और जो इनका जो खाने पीने वाला चीज आता है वो कहाँ आ रहा है? 3-4 महीने से तो नहीं बोल रहे कि नहीं आ रहा है? 3-4 महीने से बंद है। हाँ तो 3-4 महीने से नहीं आ रहा है। तो फिर आप मंगाए नहीं रहेंगे कि मंगाए? नहीं मंगा रहे। तो इसको कभी चालू कीजिएगा? हम कोई नहीं होते बोलने वाले, आपने स्वेच्छा से बंद किया है, आप स्वेच्छा से चालू कीजिए। यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनके साथ आप भी खेलिए, वो आप भी खेल, यहाँ तो खेलते कूदते ही है ना बच्चे, सब सब भूल जाएंगे ना। आप बताइए, आप ही बताइए, आपके बच्चे रहते तो आप कैसे करते बताइए? तो कीजिए थोड़ा, देखिए इंसानियत के नाम पे भी कुछ होता है, उनके बच्चे आप थोड़ा, आप अगर जो भी खाना पीना है उनका जो वो आएगा, जो बच्चे थोड़ा जो पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा मोड़ा पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? पढ़ाते आप ही है ना। चलिए चालू कीजिए, देखिए आप जितना हम अगर हम आपको फ़ोन करेंगे अब कितना जल्दी चालू कीजिएगा, एक बार हम इसको वीडियो बनाएंगे चालू करके कि आपने चालू कर दिया, नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगा आपने बंद किया है, ये वाला वीडियो तो आएगा ही। हाँ तो ये वाला वीडियो आ जाएगा चालू, उसमें पंचायत न्यूज में आ जाएगा, तो आप उसको चालू कीजिए जल्दी जल्दी, तो हम वो फिर वो वीडियो भी डाल देंगे कि आपने चालू कर दिया मेरे बोलने से। ठीक है सर, हम चालू कर लेंगे। ठीक है।